हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हमने ब्लॉग की शुरुआत की थी डायरेक्ट खाना बनाने से, यानी 11:30 के करीब से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी। मैं मॉर्निंग में ही उठी थी, बट मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद मैं डस्टिंग वगैरह में लग गई थी। मतलब जुमा था ना, तो मेरा दिल था कि बस पहले सफाई कर लूँ तो थोड़ा घर हल्का हल्का लगता है, तो फिर खाने वगैरह का काम करूँगी। तो फिर वही सफाई करने के बाद, खाने वगैरह का काम करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी वगैरह, तो इसलिए मैं खाने बनाने लगी थी। सफाई का तो काम हमारा हो चुका था और मैंने हमेशा की तरह कुकर में ही पुलाव बनाया था। ये झटपट बन जाते हैं और शैम को और मुझे दोनों को ही कुकर के पुलाव ज़्यादा पसंद है। और कुकर में पुलाव बना के फिर उसको हमने डेगची में चावल को निकाल लिया था, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक ही कुकर है, फिर उसी में गोश्त भी चढ़ाना था। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त शैम की फरमाइश पे। मैं ऐसी गोश्त ही बनाने जा रही थी, बट शैम बोले कि उसमें आलू डाल दो, क्योंकि आलू गोश्त उनको भी बहुत पसंद है, वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा लगता है ना आलू डाल देने से, गोश्त में उसका अलग ही टेस्ट आ जाता है। और मैं गोश्त जो बना रही हूँ ना, ये हमेशा की तरह जब मैं ये वाला गोश्त बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ, एक साथ सब चीज़ डाल करके और सारे मसाले डाल करके, और इसको है ना मतलब अच्छे से मिक्स करके और डायरेक्ट सीटी लगा लूँगी। दो या तीन सीटी लगा करके मैं गैस को बंद कर लूँगी। उसके बाद फिर गैस खोल, मतलब कुकर का गैस निकाल करके उसे खोल के फिर उसको अच्छे से उसकी भुनाई करूँगी। और यहाँ पर देखिए हमने वैसा ही किया। अब मेरा गोश्त में 3 सीटी लग चुका था, हमें ढक्कन हटा के अब इसकी मैं भुनाई करूँगी। और यहाँ पर लगभग हमारा गोश्त भुन चुका था तो हमने इसमें आलू डाल दिया और अभी इसको फिर अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका है ना। अब इसमें मुझे जितनी ग्रेवी लगानी है उतना ही पानी डालूंगी और उसको अच्छे से चेक कर लूँगी। यहीं पे आप मतलब मैं सॉल्ट वगैरह सब टेस्ट करके, और जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना पानी हमने लगा लिया था। उसके बाद मैं फिर से ढककर लगा करके अब सिर्फ 2 सीटी लगाई थी, और जब सीटी निकल गया था तब मैं कुकर को खोल ली थी। और ये देखिए हमारा आलू गोश्त मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया था। फिर लास्ट में उसमें हमने धनिया पत्ती डाल दिया था। उसके बाद मैं नमाज पढ़ने आ गई 6:30 से। तो अब फ्री हो गए फ्रेंड्स, अब जा करके जो है ना मेरा मतलब सारा काम वगैरह सब खत्म हुआ है, और शाम जो है ना वो आते हैं तो फिर खाना खाऊंगी। और मेरा भी सारा चीज हो चुका, भूख बहुत तेज वाली लग गई है फ्रेंड्स। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और खाने से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, नहीं रहा ही नहीं जा रहा। तो जल्दी से मैं अपनी थाली लगाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँ। शाम आकर के खाना खा करके जा चुके थे फ्रेंड्स, और मैंने उनको पहले खाना दे दिया था क्योंकि वो एक बच्चे को जाते हैं, न्यू ज्वाइन किए हैं घर पे पढ़ाने के लिए, तो उसको पढ़ाने जाने में लेट हो रहा था, क्योंकि अगर वो लेट हो जाता तो फिर यहाँ 3:30 बजे वाले बच्चे आ जाते, इसलिए वो चले गए हड़बड़ी में खा करके। और मैं अब अपनी थाली लगा रही हूँ, और अपनी थाली में वही जो बना है, और सच्ची बता रही इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही थी। खाना बहुत अच्छा बना था और मैं इसको खाने के लिए उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और देखिए हमने सैलेड ले लिया खूब सारा, और आज मैं थोड़ा चावल भी अच्छे से ली हूँ है ना, क्योंकि ना पुलाव मुझे बहुत पसंद है, वो भी मटर पुलाव। इस ठंडी में ना पहली बार मैं अपने घर में मटर पुलाव बनाई हूँ, तो देख ही सकते हैं इसका लुक कितना यम लग रहा है ना फ्रेंड्स। आप लोग को अगर लालच आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अपने अपने घरों में बना के खा लीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, खाना हमने खा लिया पूरा फ्रेंड्स। आज का खाना सच्ची में फ्रेंड्स ये नहीं कि मैं बनाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इतना टेस्टी लगा ना आज का मटर पुलाव, मैं क्या ही बताऊँ, और उसके साथ गोश्त। तो खाना, और लेट हो गया आज खाना खाने में, आपको पता है खाना खा करके फिनिश करते करते अभी मुझे 3 बज गए, मतलब अभी 3 बज रहे हैं जब मेरा खाना कम्प्लीट हुआ, और अब थोड़ी ही देर में बच्चे आ जाएंगे। तो ये है आज की रूटीन, फ्राइडे था इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन था आज का, बहुत ही ज़्यादा इस चक्कर में खाना में और भी ज़्यादा लेट हुआ है। अब बस कुछ नहीं करना है, अब बच्चे आने ही वाले हैं, तो मैं बस वही ट्यूशन वगैरह पढ़ाऊंगी, फिर आप लोगों को शाम में चाय नाश्ते पे मिलती हूँ। नाश्ता हो ना हो कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगी। उसमें क्या डाल के पहले चढ़ा दिए? तो आज तुम दूसरे टाइप से कॉफ़ी बनाएंगे। रुको ना, टमाटर प्लीज हटो फ्रेंड्स। टमाटर का सूप का जो मैं उस दिन प्रॉमिस की थी, उस दिन से इसको सूप पसंद इतना आया था कि इसको उस दिन से मन था ये, लेकिन ये डर से मुझे नहीं बोल रही थी, और आज ये घर से अपने टमाटर लेके आने वाली थी। इसको लगा ना कि आंटी के घर में शायद टमाटर नहीं है, इसलिए आंटी नहीं बना करके दे रही है, और ये इतनी बदमाश है। तुमको कुछ खाने पीने का मन रहेगा हमको बोलोगी ना, ये इतना डर रही थी। क्या क्यों डर रही थी सारा, शर्म क्यों आ रहा है? इसको इतना उस दिन का टमाटर का सूप पसंद है ना, क्या ही बताऊं, और सच में अच्छा भी बनता है। कैसा था? टेस्टी है ना। हाँ। तो इसके लिए मैं जा रही हूँ अभी टमाटर का सूप बनाने के लिए, और आज मैं नहाई वगैरह, इस वजह से फिर मुझे फीवर आ गया है, तो मैं सो गई थी, सो करके उठी हूँ, शायद मेरे लिए कॉफी बना रहे। उसके बाद मैं अपनी प्यारी सी क्यूटी पाई के लिए टमाटर का सूप बनाऊंगी।
इसमें शायरा के लिए भी दे दीजिए मेरे इसमें से। कैसा है? बस्टर मतलब बहुत यम्मी बना। चलो पूरा फिनिश करो। जो की मैं रखूंगी मेथी का पानी, शैम भी खा पी के आराम से लेटे हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आज तो नहीं मिले थे ना? नहीं, आज हम व्लॉग में नहीं आए। तो कैसे आप लोग बताइए, और ठंड कैसा है? इधर तो कम हुआ है ठंड, है ना? आज से कम। और हम लोग जस्ट अभी खाना पीना हो गया है, मतलब सुबह में ठंडी कम थी, ज्यादा थी, हवा चल रही थी, शाम और आप लोग को मकर संक्रांति का बहुत बहुत बधाई। कल ही है मकर संक्रांति, तिल संक्रांति गांव में बोलते हैं, तिल संक्रांत। हिमाचल से सीमा ने कमेंट करके पूछा है कि दी क्या 32 बार करने से आपके भी बाल झड़ रहे हैं? तो नहीं डियर, बाल 32 बार करने से नहीं झड़ता है। आप जो अपने खाने में, जैसे 32 बार करने में हम लोग खाना कम खा पाते हैं, तो उसमें जो खाने की क्वांटिटी होती है उसमें हमारी प्रोटीन की जो कमी हो जाती है ना, इससे बाल झड़ते हैं। प्रोटीन, बायोटीन, ये सब चीज़ की कमी जो हो जाती है ना, तो बाल झड़ते हैं। तो इसलिए आप अपने खाने में प्रोटीन वगैरह ज़रूर ऐड करें। और प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है वो तो आप लोगों सबको पता है। तो बस, और मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया भी हुआ है, बाकी कुछ मतलब होम रेमेडी वगैरह भी हेयर फॉल के लिए आप इस्तेमाल करें। और प्रोटीन के लिए आप अपने खाने में दाल ऐड कर सकते हैं, वो सभी को पता, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। एटी कुमारी ने हमें कमेंट करके पूछा है कि दी आपने जो 1 मंथ में 10 kg वेट लॉस किया, तो आपने मतलब क्या क्या खाया था अपनी डाइट में? तो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया था। मेरे घर में जो खाना बनता था उसी को मैं खाती थी, बस पोर्शन कंट्रोल करके खाती थी, 32 बार चबा करके खाती थी, साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी थोड़ा साथ साथ मैं अच्छे से करती थी, तो इसी से हमारा वेट लॉस हुआ था। आप लोग भी करें, थोड़े बहुत भी एक्सरसाइज जरूर करें, इससे हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, अच्छा सा ग्लो रहेगा, फ्रेशनेस रहेगा स्किन में, और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो। बस, और हमने कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं किया था। मुबीना खुमानी ने हमें कमेंट करके ये पूछा है कि नगमा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए? तो मैंने आप लोगों को बार बार क्लियर किया है कि जो भी सॉलिड फूड, यानी ब्रेकफास्ट मतलब हम लोग कुछ भी ये खाते हैं ना, तो वो 12 बजे से स्टार्ट करें। उससे बीच में मॉर्निंग से आप मॉर्निंग ड्रिंक ले, लिक्विड वगैरह वाली चीज़ें ले, जैसे नारियल पानी ये सब अगर आप ले सकती है तो ले सकते, कोई ग्रीन वेजिटेबल जूस वगैरह ये सब ले, फ्रूट जूस ये भी ले सकती है। और आपको जो है ना 12 बजे से ही अपना ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच वगैरह उस टाइम से स्टार्ट करना, 6 से 7 बजे तक आपको अपना डिनर कंप्लीट कर लेना, मतलब आपका 7 बजे तक लास्ट आपके खाने का जो भी रहेगा सेशन, 7 बजे से आप बंद कर दें खाना पीना, उसका नाइट में नाइट ड्रिंक वगैरह लेकर के सो जाए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे वेट लॉस भी फास्ट होगा और पेट वगैरह जो है थोड़ा निकला हुआ रहता है वो भी फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ज्योति विश्वकर्मा ने हमें कॉमेंट करके ये पूछा है कि दी भाई के चैनल का क्या नाम है? तो भाई बता दीजिए आपके, एक्सप्लोरर एहतशाम करके चैनल है, लेकिन अभी मेहनत चालू है बस, और कुछ नहीं। तो आप लोग, जिन लोगों को भी देखना होगा, जा करके प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो छोटी मोटी ये भी कोशिश करते हैं, इनके पास तो आप देख रहे हैं टाइम ज़्यादा नहीं रहता, बट उसमें से भी टाइम निकाल करके ये जाकर के कुछ कुछ शूट करते हैं, तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप इनको भी प्यार दीजिए। मेरी बात नहीं सुनते हैं? मेरा बात नहीं सुनती है, मैं नहीं। क्या हम इसका बात नहीं सुनेंगे तो ये तो फिर युद्ध कर देंगे। नहीं, ये मेरा बात नहीं सुनते हैं। नहीं, ये नहीं, जितने शरीफ बनते हैं ना आप लोगों के सामने, शरीफ हम है, जैसे ही आप लोगों के सामने ऐसे एकदम शरीफ ऐसे मुंह करके आते हैं, ये एक्चुअली वैसे है नहीं, शरीफ हम है, वो हमारा नेचर है कि गुस्सा हूँ तो मैं हूँ, मतलब खुश हूँ तो, इससे पूछे गुस्सा बहुत करती है, कुछ भी अगर हम ऐसा करके मुस्कुरा के आ जाते तो सोचते हैं मैं बहुत शरीफ हूँ, आपको जो भी है सो क्लियर है, ऐसा कुछ है। यही सब था आज के व्लॉग में। शाम से ना बहुत गर्मी लग रही है, मॉर्निंग तक जो यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, पता है मैं स्वेटर हाफ ही पहनी हूँ ना, पसीना आ रहा है तो इसलिए बचा रही हूँ। ये देखिए कितनी छोटी सी है, ऐसा कुछ भी नहीं, फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं बराबर दिख रही हूँ ना, देखिए मैं बराबर दिख रही हूँ ना हमसे, यस बस इतना सा, इतना सही हो रही है, बराबर हम 6 फीट की, हम 6 फीट की, मेरा कितना फीट होगा? 3 फीट। 3 फीट कुछ भी, मुंह तो कुछ भी बोल के निकल जाए। दो मुंह का 5, 3 है तुम्हारा,
फ्रेंड्स आप बताइए इनको, मैं क्या, मेरी हाइट कम है फिर भी इनको मेरे हाइट में प्रॉब्लम दिखती है। अभी देखिए अगर हम इसके हाइट पे अगर कैमरा करेंगे तो मेरा मुंह कट गया, सोचिए इतना मेरा एक्स्ट्रा है। देखिए मेरी हाइट जो भी है ठीक है, अल्लाह पाक जैसा बनाया है वैसा ठीक है। लड़की के साथ तुम्हारा ठीक है यार, चलो तो बस यही था। तो मिलते हैं आप लोग से कल, आप लोग को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई या ढेर सारी शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिए अच्छे से। कल तो ठंडा ठंड कल बढ़ जाएगा, क्यों आप ऐसा जरूरी जानते हैं कि ठंड बढ़ जाएगा, तिल संक्रांत में बढ़ जाता है, तिल संक्रांत आप लोग बिहार में बोलते हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ ये बताइए आज का खाना कैसा था, खाना कैसा अच्छा, खाना अच्छा बनाती है। ब्लॉग आज कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, हम लोग से जुड़ जाइए। अल्लाह के गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।